स्टूडेंट्स हम कर रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एक चैप्टर को, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट की जनरल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को मैं दो वीडियोस में डिवाइड करूंगा। इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अबंडेंट पाया जाता है, और ये हाइड्रेटेड कार्बन से मिलकर बना होता है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगर इसका हम जनरल फार्मूला देखें तो CXH2OY। एक्स क्या है? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और वाई क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है वो सिमिलर होती है वाटर की रेशियो से, मतलब 2:1 रेशियो होती है कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म में अबंडेंटली पाया जाता है, और ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की को सपोर्ट देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है, मतलब प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी सेल वॉल में एक मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट। नेक्स्ट पे है कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कौन से हैं? कि जब कार्बोहाइड्रेट्स किसी दूसरे पॉलीमर के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब प्रोटीन के साथ, लिपिड के साथ, तो जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ग्लूकोज है, वो प्रोटीन के साथ जब मिलेगा तो ये ग्लाइको प्रोटीन बना देगा, ग्लाइको प्रोटीन। उसके बाद अगर ग्लूकोज लिपिड्स के साथ मिलेगा तो ये ग्लाइको लिपिड्स बना देगा, जो कि एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, और जो कि उनको प्रोटेक्ट करने में, और उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं उनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट फेज की आ जाती है टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स की उसमें पाए जाने वाले कार्बन एटम की बेस पे या नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, नेक्स्ट पे है ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड पे है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है? कि ये बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो तकरीबन 3 to 10 तक होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब ये बहुत ही सिंपल है और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं की जाती। हाइड्रोलाइसिस क्या है? कि जो लार्जर मॉलिक्यूल को सिंपलर में चेंज करना या ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ वाटर।
उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या है कि जब मोनोसैकेराइड दो या तीन या चार मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज लैक्टोज है, उसके बाद माल्टोज है, ये ओलिगोसैकेराइड्स है। नेक्स्ट में आता है पॉलीसैकेराइड। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होंगे, थाउजेंडिंग नंबर्स होंगे, तो वो कंबाइन करके तो जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। और इसकी हाइड्रोलाइसिस हम करें या उसकी ब्रेकडाउन करें तो मोनोसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज क्या है, ये एक मोनोसैकेराइड है। उसके बाद सेलुलोज है, और नेक्स्ट पे इसके आ जाते हैं सोर्सेज, मतलब कहां से ये ओलिगोसैकेराइड हम कार्बोहाइड्रेट हम हासिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है वो है ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। उसके अलावा जो सेलुलोज है, सेलुलोज हमने ऊपर ही पढ़ा है पॉलीसैकेराइड है, तो इसको हम वुड से, कॉटन से, पेपर से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है स्टार्च। स्टार्च को हम सीरियल्स, ब्रेड्स वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद सुक्रोज है या लैक्टोज है, लैक्टोज मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स। और इस तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल करते हैं जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का एक मेन सोर्स है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। थैंक